नमस्ते, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी। मेरा नाम है अमित और थोड़ा टेक्निकली ग्लिच आ गया था, सो आप जो है धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ जाइए। बुधवार का बेहतरीन दिन और टाइम हो चुका है 7:32 का। हमारी टीम पहुंच चुकी है सब्जी मंडी। आज के जो ताजा सब्जियों के भाव है, फ्रूट्स के भाव है, वो आप सभी तक बताने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये शक्कर पारा है और ये पलम के कुछ एक पैकेट्स मार्केट में आए हैं। आज इनके रेट्स, आज इनके भाव क्या रहने वाले हैं, सब आपको एक एक करके बताएंगे। ये देखिए फूल गोभी भी मार्केट में आई है और टमाटर जो है मार्केट में थोक में आना शुरू हो चुका है। आज की टमाटर के भाव क्या रहने वाले हैं वो आप सभी तक हम जरूर बताएंगे। उधर देखिए भिंडी भी मार्केट में आ चुकी है, करेला भी मार्केट में आया है, शिमला मिर्च की बात करें तो वो भी मार्केट में थोक में आना शुरू हो चुकी है। आज के इन ताजा सब्जियों के और फ्रूट्स के भाव क्या रहने वाले हैं वो हम आपको बस थोड़ी देर के बाद बताएंगे। आप जो है ज्यादा से ज्यादा इस फेसबुक लाइव को शेयर जरूर करें, क्योंकि आज के जो ताजा सब्जियों के भाव है, फ्रूट्स के भाव है, वो क्या रहने वाले हैं सभी लोगों तक जरूर पहुंचे, आप हमारे साथ जुड़े। सोमवार से लेकर शनिवार तक हमारी टीम का एक ही लक्ष्य है कि आपको जो है सुबह ठीक 7:30 जो ताजा सब्जियों एंड फ्रूट्स के भाव है वो आप सभी तक पहुंच सके। हमारे जो एक्सपर्ट है सानी साहब बस थोड़ी देर के बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आज टमाटर ऊपर गया है यानी उसके भाव बढ़े हैं या डाउन आए हैं, इसके बारे में भी उनसे हम जरूर जानेंगे। लेकिन आप जो है इस लाइव स्ट्रीम को जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। प्याज भी थोक में मात्रा में आना शुरू हो चुका है। आज प्याज के भाव क्या रहने वाले हैं वो आप सभी तक हम बस थोड़ी देर के बाद जरूर बताएंगे। ये देखिए सब्जी मंडी का सुबह का ये खूबसूरत नजारा। और आज जो है पहले के मुकाबले सब्जी मंडी, सोलन सब्जी मंडी में भीड़ हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे किसान भाई हैं वो लहसुन भी अपना बेचना उन्होंने शुरू कर दिया है। आज के जो लहसुन की प्राइस है वो क्या रहने वाले हैं आप सभी तक हम बस थोड़ी देर के बाद बताने वाले हैं। आप ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़े और जितना हो सके इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। सानी साहब आपका लाइफ टाइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सानी साहब अगर हम बात करें टमाटर की तो अभी लोकल आना शुरू हो चुका है, आज के टमाटर के भाव क्या है? अब लोकल टमाटर की आमदनी बढ़ती जा रही है जी। आज जो लोकल टमाटर बिका है लगभग बहुत बढ़िया हिमकोना 800 रुपए तक जी, 750 तक जी। और जो नीचे का टमाटर वो बिल्कुल पिट गया है, क्वालिटी वाइज भी वो गिर गया, वो अब टिक नहीं रहा जी। वो आज 250-200 रुपए से लेके 500 रुपए तक बिका है। सर हमारे एक सचिन भाई है, हमें देख रहे हैं, ये खुमानी का प्राइस पूछ रहे हैं। खुरमानी जो जा रही है शक्कर पारा वो बिक रही है 60-70 रुपए किलो जी। जो आम खुरमानी बिक रही है वो बिक रही है 25-30 रुपए किलो जी। बढ़िया वाली जी। टमाटर का रेट बता दिया। शिमला मिर्च आज का प्राइस? शिमला मिर्च जो आज लोकल भी अब शुरू हो गया, लोकल बिकी है 45 रुपए तक जी। जो नीचे थोड़ी शिमला मिर्च तेज होती जा रही है जी, वो आज यहाँ पे समझो लगभग 50-55 रुपए तक बिकी है जो नीचे मिर्च। अगर हम बीन की बात करें तो क्या उसके भाव बढ़े हैं या डाउन आए हैं? बीन लगभग स्टेबल चल रही है, कभी 1-2 रुपए ऊपर नीचे चल रहा है बाजार, 40 रुपए के लगभग चल रही है बीन। 40 रुपए के लगभग आज का बीन का प्राइस होगा। अगर हम गाजर की बात करें तो उसका रेट? हाँ गाजर थोड़ा सा रेट 1-2 रुपए हाई हुआ है 2-3 दिन से, आज गाजर 28-30 रुपए तक बिकी है। बंद गोभी की बात करें तो उसके आज के प्राइस? बंद भी थोड़ा रेट तेज हो गया, आज जो कट्टा कल 600-650 था 700 रुपए तक कट्टा बिका है 38-40 किलो का। फूल गोभी की बात करें तो उसका रेट? फूल गोभी थोड़ी डाउन हुई है कल की अपेक्षा, आज 25-30 रुपए किलो तक बिकी है। हरा धनिया की बात करें तो उसके आज के रेट? धनिया भी 2 दिन से ऊपर हुआ है, धनिया आज 65-70 बिका है, जो आप पिछले दिनों में 50-55 था जी। मटर की बात करें? मटर वही लगभग 60 रुपए किलो चल रहा है। बैंगन? बैंगन भी थोड़ा सा तेज हो गया रेट, आज 32-35 रुपए तक बिका बैंगन भी। कद्दू भी मार्केट में आना शुरू हुआ है, कद्दू का आज का प्राइस? आज थोड़ा सा ऊपर हो गया, जो लिफाफा 120-130 रुपए बिक रहा था 2 दिन से, वो आज 150-170 रुपए तक बिका है। खीरा? खीरा जो लोकल खीरा वो बिका है 10 रुपए, और जो नीचे वाला खीरा वो सीडलेस आ रहा है वो बिका 26-27 रुपए 28 रुपए तक। आलू कहाँ से आ रहा है और लोकल आलू के आज के भाव? लोकल जले हुए हमारी चैल बेल्टर वो बिकी है आज 24-25 रुपए किलो तक जी। और जो नीचे जो देसी आलू आ रहा है वो बिक रहा है 700 रुपए कट्टा 50 किलो का। मूली की बात करें तो सर मूली के आज के प्राइस? मूली आज मंडी में बहुत कम थी इसलिए आज 35 रुपए तक बिकी है मूली। भिंडी? भिंडी वही बढ़िया भिंडी 16-17 रुपए किलो तक बिक रही है। घिया?
घिया जो बढ़िया है वो तो बिक रहा है 15 रुपये, बाकी 12 से 15 तक समझो जा। प्याज की बात करें तो उसके आज के प्राइस सर? प्याज जो नंबर वन क्वालिटी है वो तो 17 से कम नहीं है जी, और जो अपना मीडियम रेंज के माल है वो 12, 13, 14 रुपये तक जा रहा है। करेले की बात करें तो उसके आज के भाव? करेला लगभग 15 रुपये किलो। बहुत सारे लोग लहसुन के बारे में पूछ रहे हैं कि आज के लहसुन की प्राइस क्या है, आने वाले दिनों में लहसुन बढ़ेगा? लहसुन जो सुनने में आया कि 1-2 रुपये ऊपर ही हुआ है, जो बढ़िया क्वालिटी जो 75 थी वो 80-85 में पहुंच गया है जी, और आने वाले दिनों में लगभग अभी तो उम्मीद है यही रेट रहेगा, अच्छी क्वालिटी का लहसुन 85 रुपये किलो तक। तो सानी साहब ने आपको बताया कि अच्छी क्वालिटी का जो लहसुन है वो 85 के आसपास है। अगर हम बात करें अदरक की तो अदरक के आज के प्राइस? अदरक बढ़िया वाला 50 रुपये किलो तक बिका। अगर हम बात करें मशरूम की? मशरूम 100 से 110 रुपये तक। हरी मिर्च? हरी मिर्च 30 से 35। पालक? पालक बिका है 12 से 14 रुपये। काली तोरी सर? तोरी 14-15 रुपये। टिंडा? टिंडा 22 से 24 रुपये। सेब की बात करें तो उसके आज के प्राइस? सेब लगभग वही चल रहा है स्टोर का, 1100 से 1200 रुपये बॉक्स 10 KG का। पपीते की बात करें तो उसके आज के रेट? पपीता थोड़ा 2-3 रुपये ऊपर हुआ है आज, 32 रुपये के लगभग बिका है। नींबू सर? नींबू भी थोड़ा अप हुआ है, 85-90 रुपये किलो तक बिका है नींबू। अनार की बात करें तो उसके प्राइस? अनार बहुत बढ़िया क्वालिटी नहीं आ रहा है मार्केट में, जो बहुत बढ़िया क्वालिटी है वो बॉक्स 10 KG का लगभग 1400-1500 रुपये का है जी, जो हल्की क्वालिटी है 700-800 है। केला? केला भी थोड़ा अप जा रहा है रेट, केला 440 रुपये बिका है सैकड़ा जी। मौसमी मार्केट में आई है? मौसमी बिक रही है 1400 रुपये का कट्टा 20 किलो का। कीवी? कीवी वही 550-600 रुपये की ट्रे। अनानास? अनानास जो तो रानी है वो बिक रही है लगभग 90 रुपये किलो जी, जो राजा है वो 55 रुपये किलो। चेरी? चेरी अब कम होती जा रही है, आज चेरी बिकी है लगभग 200 रुपये का बॉक्स। संतरा? संतरा तो नहीं है मार्केट में खत्म। अंगूर की बात करें तो उसके आज के भाव? अंगूर भी अब लगभग खत्म है जी, जो बढ़िया क्वालिटी का अंगूर है वो मिल नहीं रहा मार्केट में, 600-650 का क्रेट है जी, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है। तरबूज? तरबूज बिका है 9-10 रुपये। खरबूजा का आज का भाव? खरबूजा बिका है 18-20 रुपये। आम की बात करें तो उसके आज के रेट? आम सफेदे का रेट हाई हो गया क्योंकि अब ये भी कम होता जा रहा है, आम आज 75 रुपये तक बिका है सफेदा। क्या लोकल आम आना शुरू हुआ है सर? नहीं अभी लोकल नहीं आया, अभी तो यूपी का ही जा रहा है। खुमानी की बात करें? खुरमानी वही लगभग 10 रुपये से लेके 30 रुपये तक। लीची सर? लीची बिकी है आज बढ़िया, लीची बिकी है 100 तक और बाकी वैसे 70 रुपये तक। बहुत सारे लोग पलम का भी रेट पूछ रहे हैं सर, पलम के क्या भाव है? 10 से लेके 30 रुपये किलो तक। सर कुछ लोग जो है ब्रोकली का भी रेट पूछ रहे हैं। ब्रोकली भी बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है मार्केट में, लगभग 80-90-100 रुपये किलो तक समझो ब्रोकली जी। अरबी भी मार्केट में आनी शुरू हुई है अभी, लोकल आ रही है अरबी? नहीं अरबी अभी देहरादून वगैरह रैंक की चल रही है, ये आज 38-40 रुपये किलो बिकी है। मटर के आज के भाव सर? मटर 60 रुपये किलो। चलिए सानी साहब आज जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे, आने वाले दिनों में कौन सी सब्जी के भाव बढ़ेंगे या फ्रूट्स के भाव बढ़ेंगे? आने वाले दिनों में देखो सफेदा आम अब एंड की तरफ जा रहा है, इसका रेट ऊपर जा सकता है और दशहरी का रेट डाउन जाएगा धीरे धीरे जी, क्योंकि इसकी आमदनी बढ़ती जा रही है जी। लहसुन का रेट हो सकता है 1-2 रुपये बढ़िया क्वालिटी का जाएगा ऊपर जाएगा जी। बाकी टमाटर जो लोकल टमाटर अभी डाउन नहीं होता जल्दी, नीचे वाला टमाटर की यहाँ डिमांड खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। चलिए सानी साहब आपने हमसे बात की, शुक्रिया था आपका। शुक्रिया। तो सानी साहब ने आपको बताया कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है जो लहसुन के प्राइस है वो 1-2 रुपए ऊपर बढ़ सकते हैं। आज जो है बढ़िया लहसुन 85 के आसपास बिक रहा है। आप जो है इस लाइव स्ट्रीम को जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि आज का ये जो ताजा सब्जियों के भाव है, फ्रूट्स के भाव है, वो सभी लोगों तक पहुंच सके। हम हैं लाइव टाइम्स टीवी सीधे सोलन सब्जी मंडी से। कुछ एक कमेंट्स बनना चाहूंगा। बीडी ठाकुर जी आपको भी सर वेरी गुड मॉर्निंग। रंजीत सिंह जी आपको भी सर वेरी गुड मॉर्निंग। आप जो है इस लाइव स्ट्रीम को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर जरूर करें। सोलन सब्जी मंडी से सीधे लाइव एंड एक्सक्लूसिव आपके साथ। चलिए जाते जाते यही कहूंगा, हम है लाइव टाइम्स टीवी, कल सुबह मुलाकात होगी ठीक 7:30 बजे। मेरा नाम है अमित, देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी।